नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज लोकसभा में झंझारपुर से आने वाले लोकसभा सांसद आरपी मंडल ने बिहार में कृषि और बाढ़ को लेकर बड़ा सवाल वित्त मंत्री से किया। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़े गंभीरता से जवाब दिया है। देखिए, कृषि को लेकर और बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, इसको लेकर जो जेडीयू सांसद आरपी मंडल ने सवाल किया, उस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोल रहे हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 रामप्रीत मंडल। माननीय मंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दी। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और महोदय, जिस राज्य से मैं आता हूं बिहार से, वहां भी नदियों में बाढ़ और सुखाड़ से जो जमीन बच जाता है, अधिकतर किसान उसमें खेती ही करते हैं। इसीलिए महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेती किसानों को सही मायने में बैंकों के जरिए बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार का क्या प्रयास है? माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दुष्टा प्रधानमंत्री जी पहले से प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की, और अगर देखें तो भारत को विकसित देश बनाने के लिए कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसानों के लिए, भाइयों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। जैसे कि अगर देखें तो वित्तीय समावेशन के लिए जनधन खाता के आधार से 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन में लाभ पहुँचाया गया। वहीं पर अगर देखें तो इस कार्य के लिए जहां तक सीमांत और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक खाता खोले गए, 2014 में जहां पर बैंक की शाखाएं जहां केवल 41,000 हुआ करती थी, आम जन तक बैंक की सुविधा पहुंचे, उसके लिए 10 साल में हम लोगों ने 54,000 बैंक शाखा खोलने का काम किया। वहीं पर बैंकिंग करस्पेंडेंट का जहां तक सवाल है, जहां 2014 में केवल 4 लाख करस्पेंडेंट होते थे, 2024 में इसको हम लोग बढ़ाकर 11 लाख करस्पेंडेंट कराने का काम किया है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित प्रयास किया है कि देश में बैंकिंग सुविधा के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में सबको वो सुविधा प्राप्त हो, ऐसा हमारा, ताकि दूर से दूर के लोगों को, ग्रामीणों को फायदा हो सके। और इन सब का ही नतीजा रहा है कि अगर आप देखें तो जहां तक किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल है कि 2014 में जहां 4.26 लाख करोड़ का किसान क्रेडिट दिया जाता था, वहीं 2024 में 9.82 लाख करोड़ को किसानों का किसान क्रेडिट दिया जा रहा है। SSB बैंक लिंकिंग जहाँ 74.3 लाख था, 144.21 लाख कर दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट में जहाँ पर 1.28 लाख करोड़ दिया जाता था, वहाँ पर 4.19 लाख करोड़ रुपया हमारी सरकार देने का काम कर रही है। उसी तरीके से छोटी लोन कोऑपरेटिव के माध्यम से लेने के लिए जहाँ 54,037 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अब हमारे सरकार ने 5.56 लाख करोड़ रुपया करने का काम किया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ग्राउंड लेवल क्रेडिट जो गांव में दिया जाता था 2014 तक 7.3 लाख करोड़ रुपया दिया जाता था, आज वो बढ़ करके 2024 में 25.46 लाख करोड़ कर दिया गया है। कहीं ना कहीं गांव में लोगों को सुविधा मिले, उससे लोग लाभ उठा पावे, इसका सरकार हमेशा प्रयास कर रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं। सर, अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि हमारी युवा जनसंख्या को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में बताने की कृपा करें कि युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक युवाओं का सवाल है, अगर देखें तो मैंने पहले भी कहा कि बैंक के माध्यम से 52 करोड़ खाता खोला गया, जिसमें सर्वाधिक युवा सम्मिलित है, और पिछले 10 सालों में 70,000 बैंक शाखाओं का हम लोगों ने निर्माण किया। और जहां तक इनके अलावा हमारी सरकार ने युवाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, जैसे कि इंटर्नशिप जो इस बजट में अभी घोषणा हुआ है, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया, शिक्षा पर लोन सहित PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, और साथ ही साथ अगर देखें मुद्रा लोन खासतौर से कि नौजवानों को कैसे हम स्वरोजगार दे सकें, उसके तहत 49 करोड़ लोगों को करीब 30 लाख करोड़ का लोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2024-25 के बजट में अगर देखें तो मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर उसकी सीमा 20 लाख किया गया है। इससे कहीं ना कहीं नौजवानों को लाभ होगा।